वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक व्हीकल 360 मैं अभी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपे में और ये मेरे सामने इंडिया की पहली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है स्टार बस सीरीज में स्टार बस सेगमेंट में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही स्टाइलिश और डायनेमिक इंटीरियर के साथ डिजाइन किया है एक्सटीरियर भी आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया है फुल फीचर्स इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स में वन बाय वन दूंगा पहले आप ये व्हीकल की कुछ वॉक अराउंड आप देख लो फ्रंट से व्हीकल कुछ इस तरह दिखता है अगर ओवरऑल हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम की अगर डिस्कस करो तो मोटर जिसमें कंपनी ने प्रोवाइड किया वो इंटीग्रेटेड मोटर जनरेटर है जो कि मैक्स पावर अप टू 245 किलोवाट प्रोड्यूस करती है और हाई वोल्टेज बैटरी पैक इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 30 किलोवाट आवर है और फ्यूल सेल स्टैक जो है वो 100 किलो वाट आवर की है और कूलिंग टाइप उसमें जो प्रोवाइड किया गया है वो 50 बाय 50 वाटर और ग्लाइकोल का रेशियो के साथ और फ्यूल सिस्टम में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस है फोर सिलेंड्रिकल टैंक के साथ है और हाइड्रोजन फिलिंग की जो टाइम है वो टेन मिनट में फुल होने के लिए डिजाइन किया गया और 350 फिफ्टी बाहर पे फुल होती है ये रही इसकी एच सिस्टम जो बेसिकली एयर कंडीशन का काम करेगा अगर ओवरऑल चेसी और डायमेंशन की मैं बात करूँ तो ओवरऑल लेंथ जो दिया है वो ट्वेल्व थाउजेंड एम एम का है और व्हील बेस सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एम एम का है और विथ जो प्रोवाइड किया गया है वो टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का और ओवरऑल हाइट जो प्रोवाइड किया गया है वो थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी एम एम का है और आप देख सकते हो नंबर ऑफ डोर्स ये रहा फ्रंट का आप देख सकते हो फ्रंट का प्रोफाइल कुछ इस तरह है बहुत ही वाइडर विंडशील प्रोवाइड किया गया है टाटा के बैजिंग के जस्ट अबब एक कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है जो कि एडास को सपोर्ट करता है और ये रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विंग डोर भी प्रोवाइड किया गया है और बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ व्हीकल को लॉन्च किया गया है मैं वीडियो के एंड तक मैं पूरी डिस्कस किया हूँ और ये रहा इसका ड्राइवर कॉन्सॉल आप देख सकते हो बहुत ही कम्फर्टेबल डिजाइन किया गया है सीट भी बहुत कम्फर्टेबल है ये इसका ड्राइविंग कंसोल है आप देख सकते हो एडजस्टेबल स्टेयरिंग के साथ लॉन्च किया गया है बहुत सारे स्विचेस पैरामीटर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच को प्रोवाइड किया गया है ये इसका डिजिटल ऑटोमीटर है और स्पीडोमीटर है यहाँ पे डीएनआर का तीन फीचर्स दिया गया है बेसिकली मोड को पैसेंजर सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है और ये रहा इसका सीसीटीवी मॉनिटर जहाँ पे बहुत सारे डीवीआर वगैरह के फीचर्स जो एट ए टाइम ड्राइवर भी चेक कर सकता है और जो भी कंसर्न पर्सन होंगे और ये रहा इंटीरियर आप देख सकते हो तो बहुत ही इंटीरियर बहुत ही लग्जीरियस इंटीरियर लग रहा है इनसाइड में एक कैमरा भी आप देख सकते हो कंपनी ने प्लेस किया है जो ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस किया और सीटिंग कैपेसिटी 35 प्लस डी के साथ है और लो फ्लोर में ये व्हीकल अवेलेबल है ओवरऑल आप देख सकते हो तो बहुत ब्यूटीफुली प्लेस किया गया अगर मैं एडवांस सेफ्टी मेजर्स के बारे में फीचर्स के डिस्कस करो तो बहुत सारे फ़ीचर्स दिए हुए जैसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ है एडास है ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है फ्रंट कॉलेज अवॉइडेंस सिस्टम के साथ है और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अवेलेबल है और बहुत सारे डायलिमेटिक्स फीचर्स भी है और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ है आप देख सकते हो ये इसका पूरा ओवरऑल ड्राइवर काउंसोल है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मॉनिटरिंग किया जाता है एट ए टाइम अभी व्हीकल व्हीकल नहीं रहा बहुत ही एडवांस फीचर और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ ये व्हीकल अभी इंडिया में लॉन्च हो रही है और बन भी रही है और आप देख सकते हो ये ये पूरा साइड प्रोफाइल है अगर टॉप स्पीड की बात करूँ तो 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड और रेंज अराउंड 300 किलोमीटर की मैसिव रेंज प्रोवाइड करती है ये व्हीकल फ्यूल सेल व्हीकल ये इसका रियर साइड है आप देख सकते हो फ्यूल सेल का टैगिंग भी था और रियर साइड में बेसिकली ये जो है यहाँ पे ये बेसिकली ये लगेज कैबिन नहीं है यहाँ पे पूरा फ्यूल सेल का टेक्नोलॉजी का जो भी सिस्टम है यहाँ पर कंपनी ने प्लेस किया और रियर साइड अप